सर, मेरा नाम किशन है सर, और मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है, तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए? जॉब्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेमेन सेफ्टी, या गाय, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, किस में उन्हें? मुझसे पूछिए नौ रस में कौन सी भंगिमाएं मुझे दिखानी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे क्या पता भैया, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको किस में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए? रिलैक्स बेटा, तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी 50वीं है, ठीक है? डर मत, पूछने दो ना, अपना अपना तरीका। वो अपना एंगल ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट खबर क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं कि फिर वो ले, अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब। सर यूट्यूब कैप्शन, मेरे पास बेटा कोई करारा जवाब नहीं है। जो जो अपनी अपनी कुर्सी पर हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मेरा एक बड़ा अच्छा शेर है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़कू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। जैसा कि आपने कहा, देश में जिसे जो मर्जी होता है वो बोल जाता है, या फिर सभी को बात करने की यहाँ पर पूरी आज़ादी है। बट हाल ही में हमने देखा था, जैसे नसीरुद्दीन शाह ने बात की और उस पर आपने जवाब दिया। नसीरुद्दीन शाह का जवाब आया है और उन्होंने कहा है, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अनुपम खेर ने जो कहा है उससे आप दोनों के ख्यालात मिलते हैं, तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं। और दूसरा पूछा गया कि वो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, क्या आप उनसे संवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ही डजंट टॉक रीजनेबली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे सीनियर हैं, उनको पूरा हक है, दैट्स हिज इंटरप्रिटेशन, आई लव हिम फॉर हिम। मुझे तो एक ही विजुअल याद है इस शहर में कि हम दोनों, वो मेरे से पहले आए थे और एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, पर जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, मेरे को पहली एक ही गाड़ी का नंबर याद है जो पहली गाड़ी थी, क्योंकि उससे पहले मैं ना मेरे पास साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कुछ था। MAP 5068 महबूब स्टूडियो के पास मेरी गाड़ी क्रॉस हुई और उनकी गाड़ी क्रॉस हुई, और उन्होंने मुझे देख के कहा ये कि तूने भी गाड़ी खरीद ली। आई थिंक आई, फॉर मी दैट मोमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, एक दूसरे को, उनको भी हक है कि नहीं है मेरे विचारों से सहमत होना, बट आई थिंक आई लव हिम एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर एंड माई सीनियर। आई डोंट वॉन्ट टू मेक, इफ़ आई हैव टू से एनी थिंग टू हिम, आई पिक अप द फोन और गो टू हिज हाउस एंड से कि आओ झगड़ा कर लेते हैं या गले लग जाते हैं, बट इसकी बात मैं थ्रू प्रेस इसको नहीं बात करना चाहूँगा। अनुपम जी, दिस इज अक्षय त्यागी फ्रॉम अमर उजाला। पहलाज नानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी CBFC के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के? बताओ सच्ची, बताना, तुमको अपनी मम्मी की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा। कैसा लगा? अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, किसी ने आज पहले उनका सवाल ले लें जिन्होंने ट्रेलर देखा है। नहीं क्यों, पर क्यों, पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई पहले ये बताइए। नहीं लेट क्यों हैं आप ट्रेलर में, नहीं पहले बताओ। नहीं मैं क्यों आपके सवाल का, नहीं आप ट्रेलर में लेट आई हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा, हमने हमने 1.5 साल से मेहनत की है, आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूँ, ऐसा कैसे हो? ऐसे नहीं होता ना, मेरे चेहरे पर थोड़ा लिखा है। अनुपम जी, अनुपम जी, यस हाँ जी, दसो जी, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक, आई लाइक इट वेरी मच, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अच्छा, किसी फिल्म के अंदर जब कोई किरदार निभाता है, कैरेक्टर के अंदर आने से पहले और उसके अंदर बाहर निकलने के लिए एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जरा बताना चाहेंगे? थैंक यू जी पन्नू साहब, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक वॉट केम अक्रॉस बिटवीन, दिस इज अ लव स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी बिटवीन संजय बारू एंड मनमोहन सिंह, दिस इज द फिल्म। Once you see the film, this is what will come across. Our relationship, that means Sanjay Baru's and Manmohan Singh Ji's relationship, is the film. Rest of is it that
अब टाइटैनिक के अगेंस्ट वो लव स्टोरी बनी थी या पर्ल हार्बर के अगेंस्ट लव स्टोरी बनी थी. दिस इज़ ए उस पृष्ठभूमि में 2004 से लेकर 2014 के बीच में संजय बारू जो उनके मीडिया एडवाइज़र थे उनकी और प्राइम मिनिस्टर की कहानी है ये बेसिकली. एंड आई थिंक वॉट वी डिड वॉज वी एज आई सेड वी लिव्ड इन अ सेक्लूडेड प्लेस बहुत दूर लंदन इंग्लैंड में. वी बॉन्डेड आई थिंक मैं अक्षय के साथ बहुत दो फिल्में की हैं बट जो प्यार इस पूरी फिल्म में इनके प्रति मेरे मन में जागा है वो अगर कोई और फिल्म करते तो शायद नहीं जागता. द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल लव द रिलेशनशिप दैट वी थ्री विल शेयर फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ वॉट एवर द फेट ऑफ आर करियर और आर लाइफ विल बी आई थिंक दैट विल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू दिस फिल्म. इट वॉज अ डिफिकल्ट फिल्म एंड जैसे जैसे फिल्म की नज़दीक आती जाएगी पूरा प्रोसेस बताऊंगा. मैंने तो रिकॉर्ड भी किया सारा कैसे तैयारी की है फर्स्ट स्टेप क्या थी पहले आवाज़ में कैसे बात होती थी लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है वो हमको यहाँ करनी चाहिए या नहीं. आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर पोलिटिकली being asked. I think what we should talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. Next question. Yeah, hello. Bharti ji aa gayi hain. Haan ji. Here I am. Akshay, this is for you. Did I know you were told not to look like Sanjay Baru, but for this romantic film, did you meet Sanjay Baru? I haven't met him as yet. Vijay didn't want me to meet him at all. He was very clear on that. He had his own very specific vision of what he wanted me to do. And you'll see that in the film. Have you read the book? I've read the book twice. And Anupam, for yes. you, how you went straight from here to New Amsterdam. What was it like, the switch? Oh, I went through the whole roller coaster of it. I think one of the reasons that I was very focused that I had done the pilot of New Amsterdam and then I went to London, so I was going through that culture and then went back to Mrs. Wilson and then this is something. This is an international film according to me, Accidental Prime Minister. It can be compared to any film anywhere in the world and it will stand on the top. Unfortunately, in our country, we look at it from the prism of political this thing, etc., etc. When we make Lincoln, we don't ask the main actor कि तू कौन सी पार्टी का कंजर्वेटिव पार्टी का है या तू डेमोक्रेटिक पार्टी का है या तू किस पार्टी का है या तुमने जब रोल करते समय जब लिंकन में या किसी और फिल्म में किसी ने रोल किया तो वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. वी सेड वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. वी डोंट लुक एट इट. सो आई डोंट थिंक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स रिस्पेक्ट द आर्ट एंड लेट्स लीव द इंटरप्रिटेशन टू द ऑडियंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गड्ढा साहब इधर आपके सॉरी सामने गड्ढा साहब सबसे पहली बात तो ये है. Say it. I think what he's saying is let's leave the politics to the politicians. Yeah, I think we should treat it ourselves as an actors. हाँ जी गड्ढा साहब सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेलर हमें बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू इधर आपके सामने राइट साइड में. हाँ जी थैंक यू. ट्रेलर बड़ा अच्छा बनाया आपने. फिल्म अच्छी बनाई है. इस फिल्म से आपके टू व्हाट एक्सटेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं. सेकेंडली अनुपम खेर साहब का रिएक्शन क्या था जब इनको आपने पहली बार कन्विंस किया रोल के लिए क्योंकि बीजेपी के खास. इसका आंसर मुझे लगता है विजय जी को देना चाहिए. व्हाट सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. एक्सपेक्टेशन मतलब कितना माल बनाएगी. नहीं हमने तो बना लिया डोंट वरी. हम बिफोर रिलीज हमारे पैसे बना लेते. दो लोग एक मयंक ये बैठे हैं इसके राइटर ये हालांकि इनको मंच पर बैठने का बोला नहीं गया मगर इनका बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म को. मयंक एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल दिखाओ प्लीज. इन्होंने कमाल का काम किया है. कमाल का नाम लिखा है. हमारे को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी हैं. इन्होंने कमाल अब आप कहेंगे ये भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं मगर ये एक्सपेक्टेशन है जी. हमें लगता है बहुत बड़ी हिट होगी ये फिल्म. और कुछ सर एक सवाल सर सामने किधर फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक बहुत अच्छा ट्रेलर था सर. काफ़ी मज़ा आया. काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिख रहा है आप सभी का. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप इसके लिए प्रेप कर रहे थे कौन सी वो चीज़ थी जो सबसे टफ थी थ्रू आउट द जर्नी जो आपको लगी. अनुपम जी आपसे
I think Dr. Manmohan Singh is basically a shy person. He is not a trained politician. He was an economist brought as the reserve for the finance secretary and then the finance minister, and then he became the prime minister, and that's how he was the accidental prime minister. And I was very happy with his sense of humor recently in one of the at his book release. He said that he was not only an accidental prime minister, he was also an accidental finance minister. So I'm a very I like to perform physically, means gesture istemal karte. Main Kiran se baat kar raha tha, to Kiran Chandigarh mein thi. तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, तो मुझे तो कहती है, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट एक्ट आउट लाइक मनमोहन सिंह, बी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह. आई थिंक दैट वाज द बी वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो बोलना आसान है, उसमें कोऑर्डिनेशन है एक्टर की. इफ़ यू नोटिस हिम, हिज हैंड्स आर इन अ सर्टन मैनर, लाइक समबडी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही हैड, इट्स वेरी ईजी टू बिकम द कैरेक्टर एज अ कैरिकेचर. So I was always constantly running on, walking on a razor's edge. And we had a very dynamic director who's a very good criticizer. इनको क्या अच्छा लगता है वो इनको नज़र आए ना आए, मगर क्या अच्छा नहीं लगता वो सबको नज़र आता है. तो he was very, very difficult to please. And for a young man like him to sort of have this kind of a quality is phenomenal. But मैंने ठान लिया था कि इस रोल को तो मैं टूट पड़ने वाला हूँ. एंड एज आई सेड, मैंने कभी मेडिटेशन की नहीं. आई वॉज इन ए साइलेंट जोन, नॉट मतलब नॉट दैट वे साइलेंट जोन, बट आई वेंट इन साइड एंड दैट्स वाई इट वॉज डिफिकल्ट. साथ ही एक क्वेश्चन और था आप दोनों से. पहला कि आपने जब ये पूरी फिल्म की है, और ये दोनों दो लैंग्वेजेज में बनी है फिल्म. अच्छा, इंग्लिश में भी बनी है और हिंदी में भी. तो आफ्टर वी यूज्ड टू डू द हिंदी वर्जन one shot, and then we'll have to do the English version. Or somehow the equation sometime used to change. Phir angrezi mein pehla shot dete the, phir hindi mein shot dete the. So it was a very interesting process what we followed, and every character is two language aur dub hui hai, aur two languages mein aur dub hui hai, telugu and tamil mein, kyunki wahan politics ki picture bahut chalti hai. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है. इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लिया है. जो सब्जेक्ट आपने चुना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मतलब नॉट मिस्टर मनमोहन सिंह बट हिज जर्नी. ऑफ कोर्स इट इज, बट दोस वर द कंट्रोवर्शियल एरा, लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम इट. दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, व्हाटएवर द फेट ऑफ द फिल्म विल बी, वेदर इट डज वेल और नॉट डज वेल, इट विल डू वेरी वेल. सर मैं इट विल डू वेरी वेल कर चुकी है. बट दिस फिल्म is a game changer in Indian political cinema film making. This will be a, we have been able to take the names of the people. Yes. We have gone first time into the PMO. You have seen movies for White House, Inside, etc. This is the first time you don't have fake fakenessness. You don't have, you yeah. have real people, real offices, real etiquettes, real kind of a thing. There is everything. The art department has done a great job. The costume department has done a great job. So let's be proud of this film. All of us. Definitely. All right. My question was ki post the release, kahin na kahin kafi sare virodh ya fir controversies arise ho sakti hain. Un cheezon ke liye aap kaise prepare kar rahe ho? Sakta hai you know Congress virodh kare is cheez ko lekar ke. Kaise aapne prep kiya? Hamare do officers yahan baithe hue hain. Hum pehle se lekar aaye hain. Nahi, I don't think we will worry about that. Thank you sir, aap aaye, officers baithe hain. Nahi, I don't. You see, let's not anticipate it. That's why I said that people who are sitting here have made a film, and we also know that what you are asking is very genuine question. But बहुत कुछ हो रहा है देश में, ये भी हो जाएगा. Picture अच्छी है. Someone had to start, na? We never had good political films. Maybe it's 2018 we started. Maybe next 5 years, 2 years, someone would have started. So we are the first one. That's it. Hi, ma'am. If you could just use the mic, and this will be the last question. Hi. No. Hi, okay. Rahul here from the film charcha. Last question. Can I have some water, please? Hale, mera sawal. मैं कल उनको दिखाने गया था, because खोल के दो ना बेटा.
My mother is an internet sensation. Automatically. But, so, उनका discussion चल रहा होगा, मेरे भाई ने दिखाया होगा उनको poster. तो मैंने उनको दिखाया तो कहती है, फिर तो कश्मीरी में उन्होंने कहा, whatever she said. पंडित जी क्या बोला था कश्मीरी में? मारा था. बलाय लगे something. So, which is, oh my God. No, she did not. And I think that was the best compliment I could have got. That my mother did not know that it was me or Dr. Manmohan Singh. But that is, I think a lot of people have come together to bring that kind of a change. I think our makeup department has done a brilliant job with everybody. With everybody. Whether it was playing Atal Ji, whether it was Advani Ji, whether it was Sonia Gandhi, Rahul, Priyanka, everybody, they've done a great job. My mother's reaction was, video. So I thought that was a very good fact that it's a realistically made film. There is no different. But it was wonderful. While getting ready, I was also getting ready. You didn't want to cut that. Yeah, because I had a continuity of that American film. Yes, idhar se kisi ne sawal pucha tha. Hi, Rahul here, the filmy charcha. मेरा सवाल अक्षय सर से, सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, सबने बेहतरीन काम किया है सर. मेरा सवाल ये था सर, आपने काफ़ी फिल्में काफ़ी एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ भी किया है और डेब्यूटेंट हैं, तो क्या कुछ अलग फील करते हैं आप, क्या कुछ अलग लगता है नए डायरेक्टर के साथ काम करने में सर? विजय की पहली पिक्चर है, लेकिन विजय नया डायरेक्टर नहीं है. बहुत ही बहुत समझदार लड़का है और बहुत सुलझा हुआ आदमी है, क्योंकि अपनी पहली पिक्चर में ही ये सब्जेक्ट को लेके एक एंटरटेनिंग और फिर बैलेंस्ड फिल्म, टू मेक अ वेरी बैलेंस्ड फिल्म इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू डूइंग फिल्म ऑन पॉलिटिक्स. सो ही इज़ हैंडल इट एक्सट्रीमली मच्योरली, एंड आई थिंक व्हेन पीपल कम आउट ऑफ द थिएटर आफ्टर सीइंग द फिल्म, दे यू विल नॉट वॉच दिस फिल्म like that. You'll watch it with a smile on your face. He's made that kind of film. So when people come out of the film, they'll feel it's a very fair film. It's not a biased film. So to make that film is very difficult, and he's pulled it off. So I'm very proud of him. Okay, Anupam ji. Hello, sir. Sir, mera naam Kishan hai, sir. Aur mera sawal aap se hai ki, jis tarah se aapne Prime Minister ka role nibhaya hai, तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए, जॉब्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेमेन सेफ्टी या गाय, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, किस में उन्हें? मुझसे पूछिए नौ रस में कौन सी भंगिमाएं मुझे दिखानी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ. मुझे क्या पता भैया, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया आपको किस में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए? रिलैक्स बेटा, तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी 50वीं है, ठीक है? डर मत, पूछने दो ना, अपना अपना तरीका. वो अपना एंगल ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट खबर क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं कि फिर वो ले, अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब. सर यूट्यूब कैप्शन, मेरे पास बेटा कोई करारा जवाब नहीं है. जो जो अपनी अपनी कुर्सी पर है उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए. मेरा बच्चा शेर है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़कू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू. आदमी सीखता है ना धीरे धीरे, जब आदमी बहुत बोलता है फिर धीरे तब बोलता है कि चुप रहो यार, जो चल रहा है चलने दो, अपना काम करो, एक्टिंग करो बाहर जाके विदेश में. मजा आएगा. इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. मैं विजय के बारे में बोलना चाह रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था और ये मैसेज कर रहा था कुछ, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड. आई सेड मैसेज किसको कर रहे हो इस समय, ट्रेलर चल रहा है. कहते नहीं, वो वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करवा रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ पीछे. मैंने कहा अब हमारे हाथ से फिल्म निकल चुकी है, इसका भविष्य जो है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग दैट पोलिटिकल फिल्म आर बींग मेड, बायोपिक्स आर बींग मेड, एक्टर्स आर गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस. वरना जैसा इन्होंने कहा कि ये अब एक्टर का ज़माना है, स्टार्स तो हैं ही हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे और लंबा काम दे, मगर दिस इज इफ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डिलीवर, दैट्स मच इज इम्पॉर्टेंट. आज की सभा यहीं समाप्त करें. हाँ जी, दूर दूर तक नहीं, मेरा अगला 3 साल तक तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वो न्यू एम्स्टरडैम के साथ है, तो इसलिए फिक्र मत करिए आप.
So there's one last question we'll take from the lady there. Yes. Sir, you're. Yes, sir, I'm Vaishnavi. I'm from Times Now. Yes, sir, of course, the trailer is very interesting and congratulations to the team. Thank you. My question, sir, is yesterday there was an official trailer release of the film Thackeray. Mm-hmm. And the censor board, in fact, has asked them to cut few scenes, and that includes the Babri Masjid demolition. And somewhere, you know, the Shiv Sena is not ready to do that, and it says that, you know, come what may, we are not going to cut it off because it's a biopic. Being a part of the CBFC, what do you think it is justified to defy these orders by the CBFC? And when it comes to films like a biopic, do you think that there should be any cuts either? I cannot answer that question on behalf of anybody, but I think we have a very qualified chairperson of the censor board, Prasoon Joshiji. I'm sure he will know what to do about it. We went through the whole process of whatever we. In fact, that's why we were not able to announce the date of the release. We have announced it only till everything got thing. But I think this is not the platform for me to answer that question. Thank you. Okay, dosto. So, abhi ek baar dobara dekhenge till. Wo jo madam aayi hai, ye keval aapke liye ho raha hai. Arey Sunny kahan ho? Sunny. Photo. Zero. Shahrukh's trailer launch. With Shahrukh, I made Shahrukh dance on stage. It was a riot, and we hosted a fan stage where Shahrukh and I had to take the stage and we had to do things together. So I made him cut a birthday cake, I made him dance, I got fans. This is a very staid energy. Because that lady is a micromanaging and controlling everything. And she's just a PR chick, which is sad. Because I'm going to go tell her it was absolutely my displeasure working with you, and I hope I don't have to do an event with you. I can say that to her, right? Art number. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, I just have to remind you that we've spoken so much about the film. The film releases on the 11th of January, so do make sure that you go and watch it in the theaters.